आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों मैं अपना कोई अनुभव आपके साथ में साझा करूंगा, शेयर करूंगा। हो सकता है आपको भी जरूरत पड़े, क्योंकि जैसी स्थिति परिस्थिति में रहा तो आप भी उस तय समय वो इसी अंधभक्ति में हो। मुल्ला साईं बाबा, आप सभी नाम सुना होगा। हिंदुओं की एक कमजोरी रही है कि वो चमत्कार को नमस्कार करता है, अनजाने में कोई जानकारी होती नहीं है भक्ति क्या है, ईश्वर क्या है। हम किसी भी अरे गहरे थुगेरे को नमस्कार कर देते हैं और कहते हैं तो बहुत बड़ा संत है। हमें यही नहीं पता संत होता क्या है, हमें यही नहीं पता कि एक योगी होता क्या है। एक योगी जो ईश्वर को प्राप्त हो चुका है या फिर ईश्वर के लिए आगे बढ़ा हुआ है, तो उसके कौन से नियम होंगे भाई? उसके जीवन के आचरण को देख कर हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम आम तौर पर किसी को गंदी गालियां देते हैं, जबरदस्ती को मांस मीट खिलाते हैं, तो हम उस आदमी को नीच मानते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ में चमत्कार जोड़ दिया जाता है और उसको संत की उपाधि दे दी जाती है, एक योगी की उपाधि दे दी जाती है, तो हम उसके मांस मीट खाने को भी और उसके नीचतापूर्ण व्यवहार को भी नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अंधभक्त हो जाते हैं, आंखों पर पट्टियां बन जाती हैं, जैसे रामपाल के शिष्यों के बंधी हुई है। तो मैं कभी साईं बाबा का भक्त हुआ करता था, उससे पहले मैं हनुमान जी का भक्त था, फिर मैं साईं बाबा का भक्त बना। कैसे बना जानते हैं? टीवी पर एक सीरियल आता था साईं बाबा का, और हिंदू होते ही भावुक हैं, अंध श्रद्धालु होते हैं, तो चमत्कारिक पूर्ण बातें देखकर कुछ उसमें राम और कृष्ण जोड़ दिया, उसको राम और कृष्ण बना दिया, पानी से दीवे जला दिए। तो मैं सोचता भाई बहुत बड़ा चमत्कारी संत है, तो बहुत बढ़िया है। उस समय मैं इतनी जानकारी नहीं थी कि आखिर योगी होता क्या है, लेकिन फिर मुझे पता चला। मैं शिरडी भी गया, वहां पे भी गया, इतनी अंधश्रद्धा मुझ में हो गई थी, लेकिन फिर मैं जल्दी समझ गया। आज से 6 साल पहले जब मैं आर्य समाज के संपर्क में आया, मुझे देखिए श्रद्धा थी मन में कि वेद हैं, अपने हिंदू धर्म में हैं, आर्यों के वेद हैं, लेकिन मुझे वेदों के बारे में पता नहीं था। श्रद्धा थी कि हमारे सर्वप्रथम वेद ही हैं, वही कहानी उठा लेंगे वेदों को, ये वो। ऋषि ध्यान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन अधिक जानकारी नहीं ले पाया उनके बारे में। तो मैं राहुल भाई से मिला था, 6 साल पहले की बात है, जिनका यूट्यूब चैनल थैंक्स भारत है। तो उनसे मिला था, तो संपर्क में आया और उनसे बातचीत हुई। आगे मैंने सत्र लगाया, सत्या प्रकाश को पढ़ा और विद्वानों के साथ में बैठा, उनके विचार जाने, वेद क्या है, हमारा वैदिक धर्म क्या है, क्या क्या हमारे में कमियां रही हैं, कैसे महाभारत काल के बाद हम बर्बादी की तरफ बढ़े हैं आगे, और जो आज हिंदू हैं वो सभी आर्य हैं, लेकिन वो आर्य बनना नहीं चाहते हैं, वो हिंदू ही कहलाने में खुश हैं। तो वहाँ पे जाना, वहाँ पे समझ में आया। और एक चीज़ और देखिए मज़ेदार बात, आप कि इससे पहले मैं योग की लाइन में था, मुझे पता था कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको सत्य का पालन करना है, ब्रह्मचारी पालन करना है, हिंसा नहीं करनी, लेकिन ये नहीं पता था कि अकारण हिंसा नहीं करनी। जहाँ पर कारण उचित कारण तो वहाँ पर हिंसा नहीं कहलाती, वो धर्म का काम कहलाता है। तो अब साईं बाबा मांस मीट खाता था और स्त्रियों को गंदी गालियां भी देता था जबरदस्ती। अब आप सोचेंगे कि भला कोई जबरदस्ती कैसे मांस मीट खिला सकता है? देखिए जब आदमी की आंखों पर पट्टी बन जाती है ना कि सामने वाला संत है, महात्मा है, तो वो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती खाने को तैयार, उसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती, सिर्फ एक भावुकता होती है कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा संत है, महात्मा है, परमात्मा है, तो सिर्फ इतना होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। फिर मैं जब आर्य समाज के संपर्क में आया, फिर साईं सचित्र मैं लेकर आया था शिरडी से, उसको पढ़ा, उसमें भी देखा और सीरियल में भी दिखा देते, कई जगह बताते भी थे, मांस मीट खाना, बलि देना और गालियां देना, ये सब वो काम करता था। उसने ऐसा क्या काम किया भाई? देश की आजादी में कोई योगदान दिया? नहीं दिया, 1% भी नहीं दिया। अरे योगी तो योगीराज श्री किशन जी थे, महाभारत काल में जानते क्या किया था? दुष्टों का सर्वनाश किया था, पूरी जिंदगी युद्ध में लगा दी थी, पूरी जिंदगी भर युद्ध लड़ते रहे थे योगीराज श्री किशन जी और दुष्टों को मारते रहे थे। साईं बाबा ने किया ऐसा? नहीं किया ना। ऋषि दयानंद योगी थे और देश के लिए अपना जीवन लगा दिया, वैदिक धर्म के उत्थान के लिए अपना जीवन लगा दिया। साईं बाबा अल्लाह अल्लाह करता था, जो कि 14 साल 12 साल पहले जन्मा है, उससे पहले क्या था? वैदिक धर्म ही तो था। ऋषि दयानंद ने वेदों का उत्थान, वेदों को सही उसका अर्थ बताया, वो सिर्फ एक योगी बता सकता, समाधिस्थ योगी, खाली व्याकरण का ज्ञाता भी नहीं, जानता इन चीजों के बारे में। तो साईं बाबा क्यों पूछते हो भाई, क्यों खाम खे पागल होते हो? वो एक मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहेगा, समझ में आई बात?
और एक चीज और, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो अजमेर में दरगाह है वहां पे अब 20% हिंदुओं की आबादी कम हो चुकी है, मतलब जानी कम हो चुकी है वहां पे, 20% हिंदू नहीं जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब लोगों के अंदर जागरूकता आनी शुरू हो गई है, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, ये देश आपका तभी बचेगा जब अपने आप अपने वैदिक धर्म को बचाओगे। इन मुल्लों के मजार में मत्था टेकने से आपका वैदिक धर्म नहीं बचेगा, आगे चल के नहीं संभलोगे तो वही काम होगा जो कौन कर चुका है, अकबर, और कौन कर चुका है, औरंगजेब। समझ में आई बात? पढ़ लेना उनका इतिहास, और उससे पहले के इतिहास भी पढ़ लेना, पता चल जाएगा। तो वही चीज तुम्हारे साथ में होगी, समझ जाओ क्यों इस मूल्य की भक्ति करते हो यार। नहीं संभलना चाहते, कम से कम अपने जो तुम्हारी देवी उन पूछ लो, इन मूल्य के मजार पर क्यों जाकर मत्था टेकते हो, फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। कितना मत्था टेक लो, तुम्हारा काम तुम्हारे कर्म से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा, ना कि किसी मूल्य के मजार मत्था टेकने से होगा, गारंटी देता हूं इस बात की। और हाँ, मौका मिले तो तोड़ देना इनको, कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारा कोई विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि जहां जुल्म होता है वहां पर आवाज उठानी बेहद जरूरी होती है। और अपने वैदिक धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, बहुत से बोलते हैं ना सभी धर्म समान है, तो भाई सभी में खामियां हैं। कुरान बोलती है मुसलमान बनो, बाइबल बोलती है ईसाई बनो, बौद्ध बोलते हैं बौद्ध बनो, वेद क्या बोलता है, मनुष्य बनो, मनुर्भवा मनुष्य बनो, कोई बोलता है ऐसा? नहीं बोलता ना। तो इसीलिए कहता हूं वैदिक धर्म में लौटो, हिंदुओं को भी कहता हूं असली वैदिक धर्मी बनो, आर्य बनो, हिंदू बनने से काम नहीं चलने वाला। समझ में आई बात? जो भाई समझदार है वो समझ चुके होंगे, जो नहीं समझना चाहते मत समझे, समय नजदीक है, ज्यादा समय नहीं है। यदि तुम्हारी जिंदगी रही 30-40 साल के अंदर, देख लेना यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, फिर मिलते किसी नई वीडियो के साथ में।